भोपाल वासियों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ गई, यानी आज भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो गया और इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखा दी और भोपाल वासियों को अब बस इंतजार है कि कब वो मेट्रो में सफर कर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि 2024 में मई जून तक आम लोगों के लिए मेट्रो की शुरुआत होने की पूरी तरह से आशंका है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस वक्त सुभाष नगर में मौजूद हूँ और सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक इस मेट्रो का फाइनल ट्रायल कर दिया गया है और इसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित थे जो इसकी गवाही बने और ये पूरा इतनी खूबसूरती से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है तो वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो की जो कॉरिडोर है उसको दिखाया गया है और कब से कब तक ये मेट्रो का जो काम है वो चल रहा था और आखिरकार आज इस फाइनल ट्रायल के साथ ही इस पर मुहर भी लग गई है और आगामी यानी 2024 में मेट्रो का जो सफ़र है वो आम लोगों के लिए पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम सुभाष नगर स्टेशन पर मौजूद हैं तो हम लोगों से जानते हैं कि मेट्रो का जो यहाँ पर उद्घाटन लोकार्पण हुआ कैसा लग रहा है। आप भोपाल में मेट्रो पे आप सफ़र कर पाएंगे, अभी तक रेड बस में करते थे अब मेट्रो में करेंगे, अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम जसपाल पोलाया है। ऐसा लग रहा है कि आसमान में उड़ेंगे क्योंकि भाई आसमान में उड़ेंगे डायरेक्टली क्योंकि भाई रोड पर चल रहे थे, अब डायरेक्टली ऊपर चलेंगे। और बहुत दिनों से ये मेट्रो का जो कि कार्य जो है वो चल रहा था लेकिन अब भोपाल वासियों को इंतजार तो था लेकिन कई लोगों को ये शंका भी थी कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली जब मोदी है तो मुमकिन है, तो होना ही था, वो तो चुनाव से पहले चालू होना ही था। वो तो मेट्रो की जो शुरुआत हो गई, आपको क्या लगता है इससे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा या फिर कोई एक विशिष्ट वर्ग ही है जो इसका लाभ ले पाएगा, अपना परिचय। मेरा नाम केशव कुमार कोरी है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम मेट्रो का काम चालू देख के और इससे मैम टाइम का बहुत बचत होगा। जो बच्चे कॉलेज पहले जाते थे लेट हो जाते थे और मार्केट वगैरह जाते थे, हम लोग बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी मैम, आने आने का बहुत दिक्कत आ रही थी। अब इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और पैसे भी कुछ बचत हो गया, हर चीज़ का फायदा है, पैसे की भी बचत होगी। आपको क्या लगता है इससे और सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट लोगों को है, जो भीड़ भाड़ में जाते थे वो सही रहेगा। मजदूर वर्ग के लोग जी जी क्योंकि जो डेली बेसिस पे अप डाउन करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि समय की बचत होगी। चुनाव का समय भी नजदीक है तो क्या लगता है ये एक चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है कि इस वक्त ही मेट्रो को आखिरी अंगली जामा पहनाया? हाँ, ऐसा बोल भी सकते हैं लेकिन चलो ठीक है, चुनाव के मतलब चुनाव के उसी के सहारे मतलब मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, मतलब ट्रॉफिक इतना ज़्यादा और बस इतनी कम और जनसंख्या इतनी ज़्यादा, लेकिन जब मेट्रो मिली गई है तो फायदा तो मिलेगा और हम लोग तो खैर बहुत हो जाएगी, बहुत सुविधा हो गई है मेट्रो आने से, ट्रैफिक की बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने राज सिंह सरकार के काम से खुश है? बहुत अच्छा काम किया उनने, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है मुझे मामा की बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि मामा है तो मुमकिन है और मामा और मोदी दोनों को भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और इसके सियासी मायने भी तो कहीं ना कहीं है। ये मेट्रो जो है जो इतने लंबे समय से हम देख रहे थे, इसका काम चल रहा था, एमजी नगर पे भी चल रहा था, अब ये फाइनली इसको एक फाइनल ट्रायल जो है वो मिल गया तो क्या भोपाल वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी? अब अपना भोपाल मेरा नाम संजीव गौतम हुआ। यहाँ पे भोपाल वासियों के लिए बहुत ही बेनिफिट के काम हुए हैं क्योंकि अब देखा जाए कि इस स्टूडेंट खास करके यहाँ भोपाल में जो है ना, बाहर से बिहार से काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, यूपी से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। अब उन बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए जो है ना, अब उतनी समस्या नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बस की फेयर जो है ना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, अब मेट्रो का जो कॉस्ट रहेगा थोड़ा सा कुछ कम रहेंगे। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ की टाइम बचत होगी कि सब बच्चे को ये पता है कि इसे 10 बजे ये मेट्रो यहाँ पर इस स्टेशन पर मुझे मिलेगी, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे जा करके। तो इसके कारण अब आगे जा करके आप लोग कहते हैं कि इसे चुनावी राजनीति, चुनाव का माहौल तो एक अलग पार्ट हो गया लेकिन ये चुनाव तो हर स्टेट में होते जा रहा है ना। अब देखिएगा कि इसे बिहार में भी आगे चार्ज आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं तो बिहार में अभी तक चालू नहीं हो पाई लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो अभी चालू कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्ध है लोगों के लिए, फायदेमंद है। तो इसको ये कह रहे हैं लोग कि चुनाव से जोड़ना सही नहीं है और चुनाव जो है वो एक अलग चीज़ है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मेट्रो के ट्रायल रन के ऊपर?
सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मेरा नाम रूपेश चतुर्वेदी है ना। तो ये बहुत अच्छा, अब हमें भी महसूस होने लगा कि हम भी मेट्रो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत कुछ मध्य प्रदेश सरकार का योगदान है और मोदी जी का योगदान है। क्या लगता है कि जैसे दिल्ली, हम भोपाल को कहीं ना कहीं अभी भी देखते हैं कि कुछ चीज़ों में ये अभी पीछे है, ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, इससे क्या डेवलपमेंट को एक गति मिलेगी आपको? बहुत बहुत गति मिलेगी, ये बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे और प्रयास होने चाहिए। एक रूट तो हमारा फाइनल हो गया है और रूटों पर भी तेज़ी से काम होना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कदम है, इसका हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। तो लोग साफ तौर पर ये देख सकते हैं हम कि लोग इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इसको चुनाव से जोड़ने पर लोग इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए उठाया गया कदम है और शिवराज सिंह सरकार को इसके लिए लोग बधाई भी दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, मेट्रो हर जगह थी लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मेट्रो का फाइनल ट्रायल आज सफलतापूर्वक यानी 3 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कर लिया गया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये मेट्रो का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।